नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पिंकी नामदेव। मकर संक्रांति के मौके पर भोपाल में आयोजित दंगल में देश के विभिन्न राज्यों के पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। महिला पहलवान भी इसमें पीछे नहीं थी। सेंट्रल लाइब्रेरी मैदान में बनाए गए अस्थाई अखाड़े में उतरे पहलवानों की कुश्ती कला को देखने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद थे। भोपाल में इस दंगल का आयोजन कांग्रेस नेता गोविंद गोयल द्वारा कराया गया। इस आयोजन का यह लगातार दूसरा वर्ष है। स्पर्धा में बेसुमार दर्शक जुटे, जो पहलवानों के हर दाव पेच पर उनका उत्साह वर्धन करते रहे। महिला पहलवानों ने भी इस स्पर्धा में अपने जोहर दिखाए। दंगल के आयोजक गोविंद गोयल ने कहा कि कुश्ती ऐसा खेल है जिसे लोग बिना पैसे खर्च किए सीख सकते हैं। देखिए, हमारा ये कराने का मुख्य मकसद है कि कुश्ती एक ऐसी चीज है जो बिना पैसे के सीखी जा सकती है। आप घर में चटाई पे, आप दरी पे, दंड बैठक पहल के, दूसरे व्यायाम करके घर में कुश्ती सीख सकते हो। महात्मा गांधी ने जो देश को आजादी दिलाई, हमारा देश गरीब था, कुछ पैसे नहीं थे, इसी तरीके के खेल को प्रोत्साहन दिया। कुश्ती हो, गिल्ली डंडा हो, आपके खो खो हो, क्योंकि हमारे देश में अमीर गरीब सब तरह के लोग हैं। अब हर आदमी साइज के सामान नहीं खरीद सकता, तो यदि कुश्ती को प्रोत्साहन मिला तो देश के आम नागरिक को प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए हमने अखिल भारतीय पुरुष एवं महिला कुश्ती महाकुंभ का आयोजन किया है कि इससे प्रेरणा लेके भोपाल और देश के लोग इसको सीखें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी हमारे मध्य प्रदेश के पप्पू यादव ऐसे कई पहलवान हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। और हम सोचते हैं 125 करोड़ का हमारा देश है, यदि इस तरीके से सब चीज़ में सोचा तो दुनिया में दो ही खेलों में आगे बढ़ सकता है आदमी, खेल में या पढ़ाई में। तो खेल में ज़्यादा स्कोप मैं मानता हूँ। भारतवर्ष देश में एक ऐसे खेलों का प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिसमें शारीरिक क्षमता महत्वपूर्ण होती है। गोविंद गोयल ने कहा कि मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार है, अब ये भोपाल में स्थायी अखाड़ा बनाने का प्रयास करेंगे और कुश्ती के विकास पर ध्यान देंगे। और देश में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश ऐसे कई राज्यों से आए हैं, पूरे देश में तो नहीं आए, देश के 7-8 राज्यों से आए हैं। और ये हमारा दूसरा प्रयास है, हम कोशिश करेंगे देश के कोने कोने से लोग आए, उसके लिए हमें और प्रचार देखिए। हमारे 4-5 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये कहा गया कि भोपाल में एक अच्छा अखाड़ा बनाया जाए, एक स्टेडियम बनाया जाए। उसके लिए मैं सरकार में प्रयास करूंगा कि यदि भोपाल में उसमें एक स्टेडियम अखाड़ा का बनता है तो निश्चित ही कुश्ती को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, लोगों ने बोला आपका सांसद बनेगा तो क्या होगा, मैंने कोई भी सांसद बने हमारी पार्टी से यदि बनता है तो 50 लाख रुपए सांसद निधि से सबसे पहले कुश्ती के विकास के लिए हम देंगे। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहे न्यूज आज के साथ।